अभी अभी बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में एक बहुत बड़ी विस्फोट हुई है, जिसमें लगभग 6 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है और करीब 40 से 45 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। देश में आए दिन बॉयलर फटने की घटनाएं सामने आ रही है, ये हमारे लापरवाही को दर्शा रही है। NDTV की ये रिपोर्ट्स हैं कि जिसमें 6 लोगों की अभी तक मृत्यु हो गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र संख्या 2 के अंदर स्थित मोदी नमकीन एंड नूडल्स कंपनी में यह बॉयलर फटने की घटना हुई है। बॉयलर फटने की घटना इतनी तीव्रता से हुई कि वहाँ जो भी लोग थे सब सन रह गए, ऑफिस वाले सन रह गए और वहाँ जितने भी कांच थे, देखिए ये उससे दूर हटके गांव का एक कमरा है, उसके खिड़कियों के कांच टूट गए हैं। ये धमाका इतनी ज़ोरदार हुई है फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं अब हम सभी में जैसे जैसे अनलॉक शुरू हो रहा है और काम का प्रेशर बढ़ते जा रहा है, हम सभी लापरवाह हो गए हैं। एक सप्ताह के अंदर करीब मुझे लगता है कि 6 से 7वीं बॉयलर फटने की घटना सामने आ गई है, जिसमें टोटल मिला के देखा जाए तो अभी 100 से ऊपर मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है। एक प्रकार से कहीं ना कहीं यह हम सबकी लापरवाही को दर्शा रही है। हमको अपने प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, सेफ्टी के जो मानक है उसको देख के ही हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम प्रोसेस के चक्कर में अपने आप को नुकसान पहुंचा दें और किसी भी प्रकार का अगर एक्सीडेंट होता है तो उससे कंपनी को ही नुकसान ज़्यादा होती है, वह अपने खुद का मैन पावर खोता है, खुद का विश्वास खोता है, उसके खुद के रेपुटेशन बिगड़ जाते हैं मार्केट में। इसलिए कंपनी को चाहिए कि किसी भी प्रकार का जल्दबाजी न करें, क्योंकि एक इंसान की जान कीमती है और इसको ध्यान में रखें। ये बॉयलर फटने की घटनाओं का जांच होना चाहिए कि ये सीरियल बाय सीरियल क्यों बॉयलर फटने की घटना सामने आ रही है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।